चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहमो करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चीज केक की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिनी मैंगो चीज केक, नो जेलेटिन, नो बेक, नो एग वाली रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज केक बनाने के लिए कोई भी कुकीज ले लेंगे, इनको ग्राइंडर में डाल के इनका एक फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ग्राइंड हो जाएगा तो इसमें 3-4 टेबल स्पून मेल्टेड बटर ऐड करेंगे और इसको फिर से ग्राइंड करके एक बेस रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का स्मूथ बेस रेडी हो गया, बस हमें ऐसा ही चाहिए। अब मैं ये कपकेक के मोल्ड्स ले रही हूँ और उसमें 2 या 3 टेबल स्पून डाल देंगे, जितनी भी आपकी चॉइस हो। सारे मोल्ड्स में इसको डाल के उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि एक स्मूथ बेस बन जाए। उसके बाद फिर हम इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये हमारे सेट हो जाए। ये चॉपर में मैं मैंगो पल्प और फ्रेश मैंगो दोनों ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं या खाली मैंगो पल्प यूज़ कर सकते हैं। इसको ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंगो पल्प हमारा ग्राइंड होके ये इस तरह का स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब मैं 200 ग्राम ये क्रीम चीज़ ले रही हूँ। ये होममेड क्रीम चीज़ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक कि ये फ्लफी टेक्सचर नहीं हो जाता है। ये देखिए, ये फ्लफी होने लगा। अब इसमें 1-2 ड्रॉप वेनिला एसेंस के ऐड कर रही हूँ और इसको फिर से अच्छे से बीट कर देते हैं। 5-7 मिनट के लिए आपको इसको बीट करना है। उसके बाद जो मैंगो पल्प हमने ग्राइंड करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसमें 4-5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको वापस से हम बीट करेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये क्रीम चीज़ और मैंगो पल्प एकदम मिक्स हो गया, ये हमारा बीट हो गया। अब मैं इसमें 150 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ऐड करूंगी। क्रीम को आपको एकदम चिल्ड लेनी है, अदरवाइज ये फिर बीट नहीं होगी। इसको वापस से हम अच्छे से बीट कर लेंगे, फिर से इसको 5-7 मिनट के लिए बीट करेंगे। ये देखिए, ये सारी चीज़ें एकदम मिक्स हो गई, ये हमारी रेडी हो गई। जैसे व्हिपिंग क्रीम हम केक के लिए बीट करते हैं, ये इतनी थिक है। अब जो कुकीज़ क्रम को हमने फ्रिज में सेटल होने के लिए रखा था उसको निकाल के उसके ऊपर ये मिक्सचर को पोर कर देंगे। ये इस तरह से सारे कप्स में से डाल देंगे, ऊपर से इस तरह से इसको स्मूथ कर देंगे स्पून की हेल्प से या फिर इसको टैप करके। फिर हम इसको ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल से या क्लिंग रैप से रैप करके 3-4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बाय द टाइम हम इसकी टॉपिंग रेडी कर लें। 100 ml मैं व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। इसको वापस से बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। जैसे केक की फ्रॉस्टिंग रेडी करते हैं सेम वैसे ही हमें करनी है। 4-5 मिनट बीट करने के बाद जब इसका टेक्सचर थिक होने लगेगा तब इसमें हम 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। आप आइसिंग शुगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये हमारा रिबन फॉर्म में आ जाए, एकदम थिक कंसिस्टेंसी हो इसकी। ये देखिए, ये बिल्कुल भी गिर नहीं रही है, ये हमारी व्हिपिंग क्रीम रेडी हो गई। ये हमारे केक भी
सेट हो गए। ये देखिए, ये है इनका लुक। इसको मैं मूल से बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये रहा इसका लुक। ये इस तरह के हैं। नीचे ये कुकीज का बेस है, ऊपर ये मैंगो और क्रीम चीज का टॉप है। इसको मैं वापस से फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो ये मेल्ट कर जाएगा। और इसकी टॉपिंग मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। जो व्हिपिंग क्रीम को बीट करके रखा था उसको एक पाइपिंग बैग में डाल दूंगी। उसके बाद ये कपकेक निकाल के इसके ऊपर इस तरह से हम टॉपिंग कर देंगे इसकी, और ये हमारा मिनी चीज केक रेडी हो गया। थोड़े से मैंगो से इसको गार्निश कर देते हैं, क्योंकि ये मेरा मैंगो चीज केक है। ये देखिए, ये रहा इसका फाइनल लुक। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर मेरी यह मैंगो चीज़ केक की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।